सत श्री अकाल जी, मैं राजवीर कौर वेलकम करती हूँ थोड़ा पंजाबी कल्चर एंड व्लॉग चैनल पर। हो सुनाओ जी, तुम सारे कितना उम्मीद करती है कि तुम सारे अपने घर हंसते वास्ते होंगे, खुश होंगे। तो असं भी सारे ठीक ठाक हैं, हूँ मैं भी थोड़ी ठीक हाँ। तो अज थोड़े नाल मैं शेयर कर लगी हूँ अपना मॉर्निंग का रूटीन। तो सब तो पहले तो असं चाह पीवे क्योंकि अब 5:30-6 का टाइम होया, साड़ी चाह में थोड़ा लेट ही हो गया। तो नाले रात असी लेट सुते से, फिर सवेर में अच्छ लेट उठे हैं। तो तैनू अजे वेख सकते तो मच्छरदानी में सुता है। तो पहलों मैं चाह बना के लिया, फिर बाकी थोड़े नाल असी सारा रूटीन शेयर करांगे घर के जो भी काम कार होंगे। तो जो थानू साडी अज्ज वीडियो चंगी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर जरूर करो, तो चैनल में सबसक्राइब करना बिल्कुल भी ना भुल्यो। चलो जी, फिर शुरू करते हैं पाल दी वीडियो। लो जी, चाह तो असी पी ली आ। चाह पीने तो बाद मैं मच्छरदानी ला दिनी हाँ। तो तैनू कहिंदा मैं अजे उठना नहीं है, बाकी बिस्तरे चुक के तो रात रोटियां पकाइया से चुल्हे ते। तो चुल्हे नूं तो परोला सवेरे ही फेरना चाहिए कि साफ सफाई करके रखनी चाहिए पहलों ही। तो मैं चुल्हे नूं परोला मार दूंगी, नाले विहड़े च झाड़ू झूड़ू ला के सारे जो भी घर के साडे काम कार आ वह मैं निपटा लूँगी। तो फिर अज मैं बनाने परौंठे बनाने आलू गंढे पा के, जिन्हों आप मिस्सियां रोटियां बोलते हैं, विच बेसन का भी यूज़ करांगे। तो धनिया प्याज होर हरिया मिर्चा सारिया चीज़ा पा के बेसन तो आप अज नाश्ते परौंठे बनावांगे। तो सब तो पहलों वेखो जी, मैं मच्छरदानी ला के तो पखा लाया सी तन्नू ने रात के, वह तार तूर मैं लपेट के रख देनी हाँ कि रात को इधर पुरानी रसोई च तार करके तो ला के ही ला लेता पखा। बहर कोई बोर्ड नहीं है, तो जो भी अपने घर के सवेर के काम होंगे ये कर लाँगे। तो तुसी जी साड़ी वीडियो नूं एंड तक जरूर वेख्या करो, तो साड़े चैनल नूं सपोर्ट करो वध तो वध। सानूं तुहाडे प्यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो वीडियो तुहानूं जे साड़ी थोड़ी भी चंगी लगे तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड्स के नाल शेयर भी करिया करो। तो साड़ी वीडियो वेखण वास्ते तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पैंदी है, पर रात को 12 बजे तो बाद ना बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती, बाहर तेल भी बड़ी पैंदी है। अंदर से कितने वड़िया नहीं जाता, इन्ना कितने भपका निकलता, तो बाहर रात को ठंड हो जाती, पतले पतले कंबल जो सानू लेने पैंदे आ। लो जी, बिस्तरा चुक के मैं अपना तो अंदर रख दिनी हाँ। बाकी हूँ मैं लाइनी हाँ झाड़ू, पहले चुल्हे के लागू साफ सफाई करके चुल्हे को परोला फेर दें।
तो लो जी अंदर वाले विहड़े में मैं सारे झाड़ू ला दी है, तो आ गेट के सामने सामने भी मैं ला दिनी हाँ। वैसे कभी कभी ये भी ला देंगे होंगे झाड़ू डंडा बन के रखिया जो मेरा टाइम ना लगे, तो कहें होंगे लॉकडाउन वेले ही हाँ, घर घर का काम नहीं करना तो होर किहड़ा काम करना है। पहलों तो नहीं कभी लाते होंगे, तो हूँ जो लॉकडाउन होया घर ही है सारे, तो चलो कहते कि हेल्प करा दें बाहर ले बन्ने ला दें झाड़ू। मैं चलो लॉकडाउन का इन्ना तो फायदा होया कि बंदे भी थोड़ा समझ लग गए जनानियां कि ना टाइम लगे कि चलो बाहर बहना बूना अंदर लगे काम तो चलो बाहर की साफ सफाई करते हैं, तो अगे कि हाथ लाने होंगे हाँ। वेख सकते तो इधर पार्क पूर्क की कई बार सफाई कर लेंगे हाँ, तो कई तो लॉकडाउन के मौका मिल गया, तो कई समझ गए परेशानियां कि अगे लोगों ने काम से बाहर चले जाना जनानियां पिछों की कर दिया, तो समझण का मौका भी मिल गया। बहुत सारे लोग हेल्प भी करवाने लग गए कि चलो अगे बिजी रेंदे ही हुण खाली कहिंदे चलो अपने घर का ही काम कार करिए साफ सफाई करिए। बहुत लोग अपने फैमिली नूं कोऑपरेट कर लग गए, मतलब कि चलो कल्लियां हुंदियां ते काम कुम करा दिए, तो इन्हां ने भी यार कि लॉकडाउन च इदां ही कीता काम कुम करा देंगे। तो इधर वेख सकते तो सब्जी लाई है तुहानू दिखा दें, लौकियां लगियां, मिर्चा थोड़े हरे गंढे लाए है, उधर परे बैंगन ते अरबी उरबी लाई है। साढ़े पता नहीं जिहड़े हलवे लगे ना, जिहड़ा भी हलवा लगता सुक जाता, कम से कम 50-60 हलवे लग गए हुण निक्के निक्के, उह सारे सुकी जाते हैं। तो सोना भी धो के पाया मैं, पर कोई अजे फल तुरिया ही नहीं, लौकियां ही लगियां। बाकी तुसीं दस्सिओ जे तुहानू कोई इदा का टोटका टाटका आता हों फिर कहदी धूनी धानी दई, एक ने मैंने दसिया कि गुगल की धूनी दो तो जाके हलवे लगन लगनगे। आख सकते तो मैं सारे साफ सफाई कर ली है, तो तनु भी उठ गया, तनु ने पहलों नहा के ब्रश वगैरह करके तो पाठ करना है, तो फिर करूँगा कोई काम। आखो नहा के आके तो हूँ पाठ कर लगा आ। तो लो जी हूँ आप नाश्ता बना लें, आटा लिया मैं, तो आलू ले आ मैं कच्चे ग्रेट करके, दो गंढे ले आ, हरिया मिर्चा, हरे प्याज, धनिया, तो थोड़ा जहा मैं एक कौली क बेसन पाऊँगी, तो इन परौंठे जा बड़े ज़्यादा स्वाद बनते हैं। सवेर के हूँ 9 बजे का टाइम होया तो मैं बना लगी हाँ नाश्ता। रोटी समझ लो अपने पंजाबियों से नाश्ता नुश्ता कहता, रोटी होंगी 9 बजे की, तो थोड़िया जी 4-5 वध पका के रख लेंदी हाँ, दोपहर में लौटे वेले जो चाह ना किसी ने खानी हो तो खा लेंगे। ये नहीं कि आप नाश्ता अलग बनाया तो फिर 12 बजे 2 बजे रोटी बनाने लग गए ना जी ना, आप कट्ठी सवेर में बना ले दी, चाहे परौंठे होन चाहे रात की कोई सब्जी बची हो ना रोटी पकानी हो, बस 5-6 वध पका के रख ले दी हाँ कि जिन्हें किसी ने चाह ना खानी तो खा ले। तो आ सारिया चीज़ा पा के आप जीरा, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, लून, लाल मिर्चा, हल्दी पावे। कच्चे मैं आलू लए सी, नाल प्याज लिया सी, बेसन, बाकी सारिया चीज़ा तुम वेख ही सकते, 2 चमचे मैं तेल दे पा ले। सारिया चीज़ों पहलों आप मिला लेने, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा पानी पा के आटा गुन के तैयार कर लेंगे परौंठे बनाने वास्ते। अज कोई सब्जी नहीं सी हैगी रात की, मैं चलो अज परौंठे बना लें, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होंगे परौंठे, तो स्वाद भी बड़े लगते हैं। कई बार गंढे गुंडे पा के सवेर में दही के नाल खाओ ना, दही लस्सी के नाल तो वधिया लगते हैं परौंठे, दही ना लस्सी ना मखनी के नाल। लो जी आटा अपना गुन के तैयार हो गया, तो हुण आपां बनाउणे परौंठे ते नाले खा लैणगे सारे। अंदर टीना थले ना जी साड़ी रसोई है उत्ते लगती बड़ी गर्मी, उत्तों टीना का सेक मारदा, फिर इधर के मूँह का सूरज हुंदा है, तो फिर मैं कई बार चुल्हे ते बना लैनी हुन्नी, नाले खुले च हवा भी लगती तो नाले बह के सब खा भी लेंदे आ। लो जी अपने एक परौंठा तो आप सेक लिया, फिर दही मखनी के नाल आप दवांगे पा के। सवेर नूं परौंठे होण भावें लूण वाले होण भावें प्लेन होण, दही मखणी होवे ते सब जणे खा लैंदे खुश हो के। अज ते वैसे कोई सब्जी बनी भी नहीं सी हैगी, मैं चलो अज दही मखणी ना खाओ।
लो जी इधर खान लगे हुए रोटी परौंठे यानी तनु लिया के देन दिया रोटी। अज तनु ओले बह के खान लगा कहिंदा मैं नहीं अज कैमरे के सामने आना ते अपनी रोटी पा के अंदर लै गया। अज ने चाह चू नहीं पीती, चाह तो सवेरे भी नहीं वैसे पींदा, लेट उठता फिर पाठ करके कहूगा मैनू कि रोटी सीधी दे दोगे 9 बजे तो मेरी अग नहीं बालन डई तो ये बह गया अग बालन रोटी खा के। चलो जी आसी साड़ी वीडियो कैमें दी, तुहानू साड़ी वीडियो लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर दस्यो, चैनल नू लाइक शेयर जरूर।